तो हाँ बच्चों, आज पेट की कई सारी बीमारियों से हम छुटकारा पाने वाले हैं। पेट में गैस बनने की प्रॉब्लम, पेट दर्द होने की प्रॉब्लम, अनईजी सा फील होना, खाना खाने का मन ही नहीं होना, ये सारी प्रॉब्लम हमें आती है। आज बनाएंगे वो चूर्ण जो हमारी नानी दादी अक्सर बनाया करती थी। ये पुराने जमाने के वो नुस्खे आज भी बड़े कारगर होते हैं। कई बार हमारा गट साफ नहीं होता, मतलब कॉन्स्टिपेशन होती है, तो हमें खाना खाने का मन ही नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? जो हमने ऑलरेडी खाया हुआ है वो पचा ही नहीं, जिसकी वजह से हमारी स्किन पे भी प्रॉब्लम आती है, बालों में भी खूब सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। पेट अगर साफ होगा तो सारी प्रॉब्लम ऑलमोस्ट खत्म हो जाती हैं। तो आज ये चूर्ण बनाएंगे, और वो भी सिर्फ घर के रखे इंग्रेडिएंट से जो कि हमेशा हमारे घर में होते हैं। तो हाँ बच्चों, आज लाई हूँ दादी नानी वाले वो नुस्खे जो कि हमारे बहुत काम आने वाले हैं। और हाँ बच्चों, एक और बात, इस चूर्ण को मैं बना तो रही हूँ लेकिन इसे लेना कैसे, इसका बड़ा अनोखा तरीका है, इसे हम बाद में बताएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, और इसे जब भी आप रखें इस चूर्ण को, तो आप एयर टाइट जार में रखें जिससे इसमें कभी भी हवा ना लगे। जब भी लें तो 5 ग्राम आप एडल्ट कोई भी ले सकते हैं एक टाइम में एक बार। हफ्ते में 3 बार आप ले लीजिए, उसके बाद फिर आप लेना चाहें तो नेक्स्ट वीक लीजिए। और चलो, कैसे हो? चलो चलते कुछ नया सा करने। चलो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगी कि जब भी आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल न जाएं। आज घर में रखी हुई उन 2 चीजों को लाई हूं जो कि हमारे किचन में होती है। एक होता है मेथी दाना, दूसरा होता है अजवाइन। सबसे पहले हम लेंगे मेथी दाना। जितना भी आपको चूर्ण बनाना है, जैसे मैंने 4 टेबलस्पून भर के लिया है मेथी दाना, उसे एक खाली पैन में 1/2 चम्मच सिर्फ घी डाल दीजिए बस, और एक पैन में आप सेक लीजिए। खाली सेकेंगे बिना घी के तब भी चलेगा, लेकिन घी डालने से थोड़ा ज़्यादा अच्छे से सिकेगा, और उससे कम से कम 4-5 मिनट तक स्लो गैस पर आपको सेकते रहना है उसका कलर चेंज होने तक। मेथी दाने को अगर डेली लाइफ के खाने में अगर हम इंक्लूड करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा कारगर है हमारे पेट के लिए, हमारी बॉडी के लिए। मेथी दाना हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसके लिए मैंने पहले आपको एक पैक बनाकर भी दिखाया था। अगर इस तरीके से मेथी दाने को हम खाने में भी शामिल करेंगे तो ये और ज़्यादा फायदा देगा। वेट लॉस के लिए भी मेथी दाना बहुत बेस्ट होता है। बदन दर्द, जोड़ों का दर्द, शुगर को कंट्रोल करने में भी मेथी दाना बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसके साथ 2 इंग्रेडिएंट्स और भी जोड़ेंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले मेथी दाना ये सिक चुका है, उसे मैंने एक प्लेट में डाल दिया है जब तक कि वो ठंडा हो। इसी पैन में मैं डाल रही हूँ उतना ही अजवाइन। अजवाइन भी पेट में कभी भी गैस नहीं बनने देता है। अजवाइन बहुत ही बेस्ट होता है खाने को पचाने के लिए। जब खाना पचता है तो कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल नहीं रहता, जिसकी वजह से कभी भी आपको पेट की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ये दोनों चीजें जब सिक जाएंगे तब इन्हें हम अलग अलग पीसेंगे। अलग अलग पीसने का कारण क्या होता है कि मेथी दाना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, उसे पीसने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। पहले हम सिर्फ मेथी दाने को पीसेंगे, अब उसी पाउडर में हम डालेंगे अजवाइन भी। ये भी ठंडी हो चुकी है, दोनों मिलाकर एक साथ पीसेंगे। पीसते टाइम अब आप इसमें डाल दीजिए 1/4 टीस्पून हींग। हींग भी हमारे पेट में गैस नहीं बनने देती, और उसमें मैंने 1/2 टीस्पून डाल दिया है काला नमक। काला नमक भी बहुत अच्छा है, इसका स्वाद भी बढ़िया कर देगा। इन चारों चीज़ों को एक साथ पीस लीजिए, एक बढ़िया चूर्ण बनकर तैयार हो गया। अब बारी आती है इसे हम लेंगे कैसे। अक्सर जो कोई भी हम दवाई लेते हैं, या तो खाली पेट लेते हैं या खाना खाने के बाद लेते हैं, लेकिन ये तरीका ऐसा है कि जब आप रात का खाना खाने बैठें तब आपको क्या करना होगा कि आपने सपोज 2 रोटी खानी है तो आधे खाने में आपको ये चूर्ण लेना है। अब चूर्ण कैसे लेना है? वैसे तो खाने के साथ हमें कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन आपको थोड़ा गुनगुना पानी अपने साथ रखना है। 1 रोटी खाने के बाद आप 1 चम्मच करीब करीब 5 ग्राम आप ये चूर्ण ले लीजिए गर्म पानी से, उसके बाद अपना खाना पूरा कर लीजिए।
उसके बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे एक दो दिन में आपको लगेगा कि हमारे पेट की सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई, कॉन्स्टिपेशन भी नहीं है। दो चार बार आप लेंगे, उसके बाद फिर आप इसे छोड़ दीजिए, फिर आपको कोई प्रॉब्लम हो फिर 15 दिन बाद आप फिर से ले लीजिए या एक हफ्ते बाद आप फिर ले लीजिए। लगातार आपको नहीं लेना है, लेकिन बहुत ही बढ़िया रामबाण इलाज है पेट साफ करने का और पेट की कई सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने का। इस तरीके से ये छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो कीजिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए। कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस चैनल पर बच्चों अगर नए आए हो सब्सक्राइब करने की कंजूसी बिल्कुल ना करें।